हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है रंगोली रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का रायता, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही यमी लगता है। तो इसको क्या हम बनाएंगे और क्या क्या सामग्री लेंगे। ये मैंने 500 ग्राम गाजर लिया है, इसको मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। और ये मैंने 250 ग्राम मैंने दही लिया है, और थोड़ा सा मैंने घी लिया है, और थोड़ी सी मैंने किशमिश ली है, और आधी छोटी चम्मच मैंने खड़ा जीरा लिया है, और स्वाद अनुसार आप नमक डालें, और आधी छोटी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन को हम गर्म होने के लिए रख देंगे, और गैस के फ्लेम को हम हाई कर देंगे। देखिए पैन बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 3 चम्मच घी ऐड करेंगे, उसके बाद खड़ा जीरा हम इसमें ऐड कर देंगे। खड़ा जीरा को ज्यादा हम नहीं फ्राई करेंगे, बस हल्का ब्राउन करना है। देखिए हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। गाजर को हम अच्छी तरह से चला लेंगे। गैस के फ्लेम को हम हाई रखेंगे। देखिए मैंने अच्छी तरह से चला लिया है। अब हम इसको एक ढक्कन से ढक देंगे। 2 मिनट के बाद फिर से हम चलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा शुगर पाउडर डाल देंगे, क्योंकि गाजर तो मीठा होता ही है। और इसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और गैस के फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे, और इसको हम ढक देते हैं। फिर से 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे। देखिए 2 मिनट हो चुका है। अब हम इसको फिर से चला लेते हैं। ये भी पक चुका है गाजर, ज़्यादा इसको हम नहीं पकाएंगे। तो चलिए अब अगले प्रोसेस में चलते हैं। देखिए मैंने एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा देर के लिए ठंडा होने देंगे, बस 5 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट हो चुका है, गाजर बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। देखिए मैंने बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसमें ये दही है, इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें हम सूखी लाल मिर्च और नमक, इस सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है, और अब हम ऊपर से थोड़ी सी किशमिश ऐड कर देंगे। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए मैंने सर्व कर लिया है। अगर ये गाजर की रायता की रेसिपी आपको पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब बगल में बेल आइकन की घंटी उसको दबाना ना भूलें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी बना के इसको खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।